Anaiku? Bolo. Look here and say, welcome to Mr. and Mrs. Gigi. Welcome to Mrs. and Gigi. Very good. Hello everyone. Welcome to Mr. and Mrs. GG. आज का व्लॉग है, आप लोग बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे सुन के. हाउस टूर तो नहीं है पर रूम टूर, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ अनायका का पूरा के पूरा रूम. कैसे उसका प्ले एरिया है, कैसे उसकी वार्डरोब्स हैं, कहाँ वो खेलती है, कहाँ वो सोती है. बच्चों का कमरा कितना भी क्लीन कर लो कभी भी क्लीन नहीं होता. जिनके घर में बच्चे हैं वो लोग अंडरस्टैंड करेंगे ये बात. हम कितनी भी सफाई कर लें वो आती है और तबाही मच जाती है. मतलब वो ऐसे बिखेर बिखेर के सारी चीजें. आई एम ट्राइंग टू टीच हर कि कोई एक चीज निकालो उसको वापस डालो एंड देन यू स्टार्ट विद द अदर थिंग. बट थोड़ा सा स्ट्रगल है वो करने में. ये है उसका रूम एक्चुअली, आपको दिख ही रहा होगा. ये सब डोर स्टॉपर्स लगे हैं जो कि बहुत जरूरी हैं. अगर आपके घर में बच्चे हैं और ये नहीं है तो प्लीज रख लीजिए, क्योंकि बच्चे कभी भी दरवाजा बंद करते हैं, उनका हाथ आ सकता है कुछ भी, तो डोर स्टॉपर लगाने पड़ते हैं. चलिए अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई विल शो यू हर रूम. लेट्स गो. तो ये एंटर करते ही है इसका प्ले एरिया. हम लोग एक्चुअली ज्यादा कुछ कमरे में कर नहीं पाए थे. जब अनायका बॉर्न हुई थी तो पैंडेमिक था और हमें नहीं चाहिए थे कि ज्यादा लेबर आए कमरे में. तो इसीलिए बेबी गुप्ता ये एक्चुअली तब आया था जब मेरा बेबी शावर था. तो आई वी गॉट दिस गिफ्ट. तो ये है अनायका का प्ले एरिया जहाँ पर अनायका अपना मैक्सिमम टाइम बिताती है. ये उसकी चेयर है जो वो चूज करके बैठती है. आई वॉन्ट टू सिट ऑन रेड चेयर, आई वॉन्ट टू सिट ऑन ब्लू चेयर. वो हर चीज अपनी मर्जी से ही करती है मैडम. और थैंकफुली अभी वो स्कूल गई हुई है तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया कि मैं आपको ये सब दिखा पाऊँ. वरना यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता क्लीन. यहाँ पे बिल्कुल कलर्स, एनिमल्स, क्या क्या फैला होता है वो भी आपको किसी दिन दिख ही जाएगा क्या हालत होती है. पूरी अलमारी पे वो रोज स्टिकर्स चिपकाती है अपने फेवरेट, वो सब कुछ करती है. तो दिस इज अ प्ले एरिया. ये उसका टेबल है, यहाँ पर बैठ के वो अपनी ड्रॉइंग है. वो वी आर ट्राइंग कि वो कभी जमीन पे, जब भी उसका जो भी मन हुआ एक्चुअली, कि वो टेबल उसको जब ड्रॉइंग कलरिंग कुछ करनी होती है, आर्ट वर्क करना होता है, तो शी कैन डू इट हियर. वी वॉन्टेड टू कीप इट सिंपल बिकॉज फिर फर्नीचर होता है तो वही टकराने का डर, जब वो क्रॉल करती थी वो सब टेंशन होती है. तो इसीलिए वी केप्ट अ वेरी सॉफ्ट एंड प्लास्टिक काइंड ऑफ फर्नीचर जिससे उसको चोट लगने का कोई डर नहीं है. सो दैट इज दैट. इस साइड पे है काफी सारे टॉयज. मतलब दिस हैज कम वेरी हैंडी बिकॉज इसके अंदर हम काफी सारे सामान थूस देते हैं. सारे ड्रॉर्स हैं इसमें, इसका सारा जो भी ब्लॉक्स हैं, लेगो पीसेस हैं और पजल्स हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर हैं. इधर भी काफी सारा सामान है उसका. सम बुक्स आर देयर, सम कलरिंग बुक्स एंड ऑल. अनायका को पजल्स करना बहुत पसंद है. इसमें भी पजल पीसेस हैं, पजल्स हैं. आजकल न्यू ऑब्सेशन पेपा पिग. ये पेपा पिग हाउस. हमें जहाँ जगह जो मिली है वहाँ पे ठूस दिया गया है सामान बेसिकली. एंड दिस इज हर ड्रेसिंग टेबल. हाय. इसके अंदर इसको कुछ लिपस्टिक्स एंड ऑल थी, इधर उधर फेंक दी होंगी और क्या. कुछ तो बचता नहीं है. दो दिन का चार्म होता है, कोई कोई टॉयज का तो सिर्फ दो घंटे का चार्म होता है. ये इसका प्लेइंग मैट है जो हम कभी इस साइड से बिछा देते हैं और कभी कभी इस साइड से. इसमें सारे अल्फाबेट्स हैं. दो दो दिन में हम उसको ऑपोजिट कर देते हैं ताकि उसका चार्म बना रहे. एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी टॉयज. सॉरी यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है तो मैं बैठ के बातें कर लेती हूँ. ये है अनायका का ऑलमोस्ट फेवरेट तो नहीं, पर शी हैज नाउ डेवलप्ड हर इंटरेस्ट इन स्टफ टॉयज एंड ऑल. पहले उसको बचपन में कोई इंटरेस्ट नहीं था. ऑफकोर्स उनको वो म्यूजिक वाले टॉयज अच्छे लगते हैं, वो छन छन वाले या कोई बीट्स या कुछ. दे कैन डू समथिंग. बट नाउ बिकॉज शी लव्स कुकिंग स्टोरीज एंड टॉकिंग सो मच, कुछ पे गई है तो उसको बातें करनी होती है पूरे दिन. पूरे दिन उसके साथ बात करने के लिए जरूरी नहीं है हम अवेलेबल हूँ. तो वो बातें करती है इन लोगों से. एंड शी लव्स एनिमल्स लाइक हर मामा. मैं आपको दिखा दूँ. 3 महीने से इसका फेवरेट टॉय है. इसका नाम है जग्गू, जग्गू द मंकी. बट ये मंकी है नहीं, मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ. ये स्लॉथ है ना, इसकी टेल है ना, इसकी कुछ मंकी वाले फीचर्स हैं. स्लॉथ है पर वो उसको मंकी समझती है. आई विल लेट हर बिलीव दैट. और क्या क्या नाम है इसके. हाँ, मिकी का नाम उसने रखा है, मिंग मिंग. पेंगुइन का नाम सुन लोगे तो बहुत हंसोगे. शी कॉल्स हिम जस्टिन बीबर, कैन यू बिलीव, क्योंकि शी लव्स जस्टिन बीबर सॉन्ग्स. वेयर इज जस्टिन बीबर? या टेक इट. ये कौन है? ये जस्टिन बीबर. ये बेबे. प्लीज टेल देयर नेम्स. बेबे जस्टिन बीबर. बेबे जस्टिन बीबर. ओके. वो खुद जाके अलेक्सा को बोलती है, अलेक्सा प्ले जस्टिन बीबर सॉन्ग्स. बजाओ मत दियो.
खुद जाके इंस्ट्रक्शंस देती है एंड शी लव्स उसका फेवरेट सॉन्ग है बेबी बेबी एक वो एक सॉरी और एक इंटेंशंस कैन यू बिलीव शी गोज एंड सेज अलेक्सा प्ले इंटेंशंस वो ये खुद बोलती है जाके इंडियन जुडोका सुशीला देवी नैरोली मिस्ड आउट ऑन गोल्ड इन 48 किलोग्राम अलेक्सा स्टॉप मैं झुकेगा नहीं ये हिप्पो है इसका नाम है पो और ये एलिफेंट है इसका नाम है जंबो एक और मंकी है कॉर्नर पे जिसको उसने क्लोथ सब पहनाए हुए हैं यूनिकॉर्न है हाँ ये वाला उसको पहले अच्छा लगता था बड़ा क्यूट क्योंकि ये मैजिक करती थी वो विच कलर इज दिस जिंजर ब्राउन नो इट्स ग्रे खुशी यूज टू लव दिस मैजिक मैंने उसको एक दिन करके दिखा दिया था तब से वो जो भी घर पे आता था उसको वो मैजिक करके दिखाती थी उससे ढंग से होता भी नहीं था फिर मुझे याद आ गई उसकी बचपन की बातें हाँ और क्या है ये सबको तो वो मूवी नहीं लगाती ये इसमें जिंगल बेल्स बजता ये भी अच्छा लगता है उसको कभी कभी जब ये जग्गू गीला हो जाता है गिर जाता है गंदा हो जाता है धोने में गया होता है तो ये सब्स्टिट्यूट है जग्गू का सो दिस इज जग्गू पार्ट टू ये भी मंकी नहीं है ये उसको अब समझ आ गई है टेडी है बट ये अभी भी उसको मंकी ही लगता है सो दीज आर हर टॉयज जिनसे वो पूरे दिन बातें कर और एक ये बेबी है जिसको उसने डायपर भी पहनाया हुआ था बट अब क्योंकि अनायका खुद डायपर्स भी पहनती है सिर्फ रात में पहनती है मतलब सोने के लिए अब उसकी पॉटी ट्रेनिंग हो गई है थैंकफुली तो अब उसका भी डायपर बेबी का उसने निकाल दिया कि नाउ योर बिग बेबी नो डायपर दिस इज व्हाट शी डज द होल डे टॉकिंग टू हर एनिमल्स एंड दीज टॉयज इट्स वेरी क्यूट लाइक अभी वो जब स्कूल से आएगी तो इनको पकड़ेगी बोलेगी हाउ आर यू आई मिस्ड यू जग्गू आई मिस्ड यू जंबो आई मिस्ड यू शी टॉक्स टू देम लाइक दैट इट्स वेरी क्यूट ऑल्सो यहाँ का नहीं दिखाया मैंने आपको ये इसके कलर्स हैं सब हर ब्रशेस हर कलरिंग बुक्स एंड सम स्टोरी बुक्स थोड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है यहाँ पर भी यही फालतूगिरी हो रही है काफी कुछ है ऐसे एनिमल है इसमें पेंट है ये सब कुछ है मुझे ना आता नहीं है ये हाउस टूर होम टूर मैंने किसी का देखा भी नहीं है व्लॉग तो आई होप आई एम डूइंग इट फाइन ये एक विंडो है इसके रूम की यहाँ ऑब्वियसली कर्टन है नीचे ब्लाइंड्स है मतलब ऊपर सोती है तो ये इस साइड आ जाओ यहाँ पे भी काफी कचरा मचा हुआ है वो ऊपर उसका ये इसकी अलेक्सा है ये पीछे पियानो है और ये रूम फ्रेशनर है यहाँ इसके बैग्स है स्कूल बैग तो लेके गई हुई है यहाँ एक्चुअली कुछ कपड़े पड़े हैं जो हम डोनेट करते हैं हर मंथ आपको पता है बच्चे की स्पीड से ग्रो होते हैं उनके ग्रोथ स्पर्ट्स आते हैं बीच बीच में एंड देन एवरीथिंग बिकम स्मॉल कहीं कपड़े तो नए पड़े ही छोटे हो जाते हैं सो ऑफ कोर्स आई डोनेट देम हर मंथ इतना बड़ा पैकेट तो होता ही है कभी कभी इससे भी बड़ा एंड सम टॉयज आल्सो वी डोनेट ये यहाँ पे पड़े हुए हैं जाना है देने के लिए ये इसका स्विमिंग का वो ट्यूब टाइप है यहाँ कुछ मेडिसिन मल्टीविटामिन्स हैं इस तरफ हैं अगर आप देख पा रहे हैं तो उसके सारे प्रोडक्ट्स हैं जो भी वेट वाइप्स एंड शावर जेल क्रीम शीम ये पाउडर सारी चीजें यहाँ पे हैं यहाँ पे हो गया सब देख लिया आप लोगों ने यहाँ पे क्लॉथ डाइपर्स कभी बच्चों को अगर रैशेज हो जाए तो आप क्लॉथ डाइपर्स यूज कर सकते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं और नैपी यूज कर सकते हैं जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों की ट्रेनिंग कर लीजिए पॉटी ट्रेनिंग हमको काफी मंथ्स लग गया उसको पॉटी ट्रेन करने में अब हो गई है फाइनली ये नायका की वॉर्ड्रोब्स हैं चाहे आप सोचोगे कि इतनी क्या जरूरत है ये निकाल देते हैं लेकिन बच्चों का सामान बहुत होता है यार मतलब स्टोरेज एक तो उनका पहले से ले लेके भी रखना पड़ता है अचानक किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाती है डर्टी मैं भी कोई कम नहीं ये हैं इसके कुछ फॉर्मल टाइप कपड़े इंडियन हैं बड़ी क्यूट फ्रॉक्स हैं नायका की जो फैंसी थोड़ी पार्टी वेयर टाइप होती है ना वो सब हैं ये कितनी क्यूट है ये उसके दादा दादी सब शॉप करके आए थे अभी तक पहनने का चांस नहीं मिला है कुछ कुछ बड़ी हैं वेरी क्यूट ये एक्चुअली मुझे लग रहा है उसको छोटी होने वाली होगी आई डोनेट दिस आल्सो एक्चुअली आई शुड डू अ गिव अवे क्योंकि इतने क्यूट कपड़े होते हैं एक बार भी नहीं पहने होते या कई बार सिर्फ एक बार पहने होते हैं फिर कोई यूज ही नहीं हो पाते इसके अंदर भी पड़े हैं इसके जो थोड़े बड़े हैं कपड़े जो बाद में टांगेंगे जब वो उसके साइज के होंगे तो देर आर मेनी क्लोथ्स एंड आई थिंक आई शुड डू अ गिव अवे ऑल्सो पर मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मैं जो थोड़े ज्यादा नीडी हैं उन लोगों को दे दूँ ये इसके शूज हैं नायका के ये भी कुछ शूज और सॉक्स हैं ये नीचे डायपर शाइपर ये वो जितनी स्टोरेज हो उतनी कम है डेली वेयर के कपड़ों की कबर्ड है ये ऊपर इसकी फ्रॉक्स हैं नीचे कुछ स्कर्ट्स और कुछ कॉर्ड सेट्स हैं कुछ सॉक्स जो डेली वेयर पहनती है बेसिकली वो है ड्रॉअर में भी ये कपड़े शॉर्ट्स अंडर क्लोथ्स एंड ऑल टी शर्ट्स ट्रैक्स समो ट्रैक्स एंड थोड़ी सर्दी के कपड़े कभी कभी थोड़ा कुछ खांसी जुकाम हो तो चाहिए होते हैं
और ये कुछ एक्स्ट्रा उसके टॉवल्स और उसके स्विमिंग के कपड़े वो सब यहाँ है। ये सब चीजें डेली में यूज होती हैं तो ये इस कबर्ड में है और ये हमने दरवाजे के पीछे रखी ताकि इजीली खुल जाए। दैट्स दैट। नेक्स्ट वहाँ की दिखाती हूँ। ये इतने क्यूट क्यूट इसके क्लिप्स होते हैं। हेयर बैंड, दिस इज अ फेवरेट हेयर बैंड, दिस इज अ यूनिकॉर्न हेयर बैंड। ये इसके स्कूल के क्लिप्स हैं, ओनली ब्लैक इज अलाउड, बाकी सब फैंसी व्हेन शी गोज टू पार्टी। और शेड्स बहुत प्यार है, मम्मी को शेड लगाते हुए देख लेगी तो उसको भी चाहिए। रबर बैंड्स, हाउ क्यूट है, इसमें भी एक शेड्स हैं। ओह बैंगल, ये अनायका ने फर्स्ट दिवाली पे पहनी थी तो मैंने एज अ मेमोरी रखी हुई है। ये दोनों मेजर कबर्ड्स हैं उसके, एक्चुअली जो मैंने आपको दिखा दी क्योंकि डेली चीजें उसी में होती हैं। ये सब में बाकी स्टोरेज ही है मोस्टली, कुछ गिफ्ट्स हैं जो अभी तक खोले नहीं थे उसके बर्थडे के, ये वो जो या फिर हमें यूज नहीं करने, ऑलरेडी वो बड़ी हो गई है। कभी कभी कोई बच्चे घर पे आते हैं तो उनको देने के काम आते हैं। डायपर स्टॉक है और दैट कुछ खास नहीं है। हर जगह स्टिकर चिपके हुए मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं कितने भी हटा लो वापस आ जाते हैं। ये भी स्टोरेज ही है, सूटकेसेस हैं, हाँ क्लिप्स, रबर बैंड्स और भी हैं कुछ। एक्चुअली काफी ब्रांड्स काफी सामान भेजते रहते हैं। यहाँ पे इसके थोड़े विंटर वेयर क्लोथ्स हैं जो यूज नहीं होते, और जैकेट्स एंड ऑल, स्वेटर्स, कैप्स। तो ये हम जब हमने ट्रैवल किया था तो सो क्यूट, शी वाज वेयरिंग इन लाइक कोल्डर प्लेसेस, लंदन एंड ऑल। या दिल्ली जाती हूँ मैं काफी, मेरे फादर जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं तो आई टेक हर, तो सर्दी में काफी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कुछ शूज हैं जो छोटे हो गए हैं, गिव अवे कमिंग सून, बड़े क्यूट क्यूट हैं, ब्रांड न्यू, इन पे स्टिकर्स भी लगे हुए हैं, कुड नॉट वेयर। हाँ तो ये सारी चीजें हैं इन ड्रॉर्स में भी। ओ मोर सर्दी क्लोथ्स, ये भी और सर्दियों के कुछ क्वाड सेट्स हैं, मोटे मोटे कपड़े हैं। ये बॉम्बे में इनका कोई काम नहीं है भाई, बॉम्बे की सर्दियाँ इस फेक। ये भी और कुछ सर्दियों के कपड़े हैं, मुझे मैंने रियलाइज ही नहीं किया। मुझे लग रहा है नेक्स्ट सर्दी आने से पहले ना ये ज्यादातर कपड़े सारे छोटे पड़ जाएंगे, अभी से ही छोटे लग रहे हैं मुझे। ये बड़े गुद्दुक होता है यार बच्चों के कपड़े। ये उसकी कुछ अंदर एक्स्ट्रा रजाइयां शजाइयां पड़ी हुई हैं, सर्दी होती तो नहीं है पर। एंड नाउ दिस लास्ट कबर्ड, इसमें इसकी सारी बेडशीट्स एंड ये सब रग्स एंड मैट्स एंड काइंड ऑफ एक्स्ट्रा स्टोरेज है। अब इस साइड है एक मिरर सामने जहाँ पे आप मुझे देख पाएंगे, बेबी गुप्ता मैंने आपको दिखा दिया है, स्टिकर्स, मैट यहीं पे बैठ के, नायका आपको अगर आप रूम में आएंगे तो यहीं पाई जाएगी 90% ऑफ द टाइम इफ शी इज नॉट स्लीपिंग एंड शी इज हियर और शी इज जस्ट रनिंग अराउंड। नाउ आई विल टेक यू टू द बेड साइड ऑफ द रूम। ये है नायका का बेड, यहाँ पे पोछे टाइप मार दी दीवार पे, गौतम बहुत ही फिनिकी है सफाई के लिए, दीवारों पे भी वो पोछे मरवाता है, कैन यू बिलीव इट। एक एपिक बात अगर आप उसके बारे में जान लेंगे तो बहुत हंसेंगे उस पे, कि वो ये है कि वो मेड्स को सफाई करना सिखाता है, खुद झाड़ू लगा के दिखाता है कॉर्नर्स पे और वैक्यूम खुद करके दिखाता है इन केस देयर इज अ न्यू हेल्पर और समबडी इन द हाउस, वो खुद करके दिखाएगा हर चीज की यहाँ पे ऐसे चढ़ चढ़ के करके सफाइयां दिखा रहा होता है। बहुत ओसीडी कह लो या क्या, वेरी फिनिकी। एंड अनायका ऑल्सो इज अ लिटिल बिट लाइक दैट, कि वो क्रॉल भी कर रही थी जब वो नीचे कुछ लग जाता था हाथ पे कि मम्मा की क्लीन करो, मेरे को बिल्कुल टिच रहना है चाहे मैं जमीन पे लोटियां मारू। थोड़े तो वो बनो रफ एंड टफ कहोगे नहीं, कचरे में जाओ यार, इंडिया में रहते हो बहुत कचरा मिलता है आसपास। सो एनी वे दिस इज अवर बेड। ये कलर की मैं आपको कहानी सुना दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत गंदा है तो मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि हम उसके रूम में कुछ भी नहीं कर पाए थे, वी कुड नॉट डू एनी लाइक वी कुड नॉट क्रिएट हर प्ले एरियाज, नथिंग, बिकॉज पैंडेमिक था एज आई टोल्ड यू। आई थिंक वी वर समवेयर आउट ऑफ इंडिया एंड हमने कहा अच्छा मौका है, हम वी आर अवे फॉर अ वीक, तो एक पीछे से हम पेंट करवा देते हैं एटलीस्ट वॉल पे। बहुत ही सादा रूम है बच्चे के हिसाब से, तो हमने बोल दिया पिंक कलर, और हमने हमारे पास वो कैटलॉग आई उसमें से हमें शेड सिलेक्ट करना था, वी सिलेक्टेड अ शेड, वो बिल्कुल ये शेड नहीं था और पीछे से आए वो पेंटर्स और वो ये मार गए दीवार पे, बहुत ही इरिटेटिंग कलर। आप भी ठीक करके देता हूँ। हमें थोड़ा कुछ लाइट लैवेंडरिश था पर ये इन्होंने बहुत ही पिंक कर दिया, तो ये मुझे पसंद नहीं है। बट हम अब इस पे अच्छा सा एक वॉल पेपर लगाने का सोच रहे हैं, एक्चुअली बहुत कुछ सोच रहे हैं बहुत कुछ करने का, पर आज तक हो नहीं पाया है, बट सून इट विल हैपन। ये बेडरूम है, इसमें कुछ है नहीं खास देखने के लिए, क्या दिखाऊं। ये इसका बेड है, साइड पे भी बोलस्टर्स रखने पड़ते हैं, वो सोती है यहाँ पे। ये उसकी नानी का बेड है, ये बाहर बालकनी है जहाँ पे जाना उसको बिल्कुल अलाउड नहीं है, पर हमने इसकी वजह से बालकनी में सब मिरर एंड ऑल लगाए हैं। एंड यहाँ पे अनायका की मेड की कबर्ड है, टेलीविजन विच इज नॉट अलाउड टू वॉच, इसलिए चलता भी नहीं है, मतलब चलता है, इसके अंदर कुछ नहीं हमने डाला हुआ। ये है कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है,
और एक और कैमरा है उस साइड भी है प्ले एरिया के उधर. दिस इज हर बेड साइड ड्रॉअर. दिस इज वी हैव गिवन हर दिस लिटिल डस्टबिन कि कुछ भी डालना है उसको तमीज तो सिखानी पड़ेगी ना. ये कुछ बेड साइड चीजें क्रीम मशीन में डायपर रैश क्रीम एंड ऑल ऑफ दैट. ये कुछ और अनायका के क्लिप्स जो वो जब उसके बाल बन रहे होते हैं तो हम उसको पकड़ा देते हैं ताकि वो बिजी रहे और खेलती रहे. इसके अंदर भी हैं कुछ और क्लिप्स और उसकी कॉम. चलो बाथरूम भी दिखा देती हूँ मैं तुम्हें. आजा संडास दिखाता हूँ. ये बाथरूम है बहुत ही काला टाइप है. रुको पहले वो टब में नहाती थी फिर हमको रियलाइज हुआ टब में पानी बहुत वेस्ट होता है. शी शुड नॉट यूज दैट तो इसलिए हमने उसको बाल्टी एंड टम्बलर दिया है उससे नहाने के लिए क्योंकि वो दो बार नहाती है और बहुत पानी वेस्ट होता है. और इन केस आपने नोटिस नहीं किया मैंने मिक्की माउस की टी शर्ट पहनी है अनायका के रूम टूर के लिए स्पेशली. सो एफर्ट को कभी मिस मत करना मेरे. ये है इसमें कुछ आई थिंक मेल का सामान है उसके. यहाँ पर एक और मिरर है. आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ मिरर बहुत हैं कि क्या नक्शा है इस बात का. मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी पहले. ये है एनू के ब्रश धोके पड़े हुए अंदर. अब देखती हूँ मैं पूरे दिन पेंटिंग हो रही होती है. आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं और क्या दिखाऊँ आपको. बाथरूम पॉटी सीट नायका की एंड जब भी वो पॉटी कर रही होती है तो उसको चाहिए कि कोई सामने बैठे तो एक स्टूल है. यहाँ पे कुछ ड्रॉर्स हैं काले काले हैं आपको नजर नहीं आएगा कुछ. हाँ बस सामान है कुछ मतलब बेसिकली एक्स्ट्रा टॉवल्स एंड ऑल कोई गेस्ट आए तो. सो आई थिंक मैंने बड़ा प्यारा टूर दिया. रूम टूर कंप्लीट हो चुका है और बाथरूम टूर भी एंड यू विल अग्री कि मैंने बहुत अच्छा टूर दिया है. और अच्छा नहीं भी लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैंने क्या कवर नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी आपको हर कमरे का टूर मिलेगा. पूरा हाउस टूर एक सेगमेंट में कवर करना बड़ा मुश्किल है फिर ढंग से देख पाओगे आप. ठीक है एक और बात बता दूं मैं अपना पूरा रूम रीवैम्प करवा रही हूँ. ये वर्ड था पिछली बार मिस हो गया था. बहुत सादा है बिफोर भी दिखाऊंगी पर वो बड़ा गौतम स्टाइल का रूम था जब मैं शादी करके आई तो वैसा था. तो मैंने कहा चल ठीक है बहुत सुंदर है आई एम नॉट सेइंग दैट. अब मुझे थोड़ा अपने टचेस भी तो चाहिए. 5 साल हो गए मेरी शादी को तो मैं वो करूंगी जब तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी बिफोर और उसके बाद आफ्टर कि मैंने क्या क्या चेंजेस सोचे फिर आप बताना किसकी चॉइस ज्यादा अच्छी है. वैसे उसकी बहुत पुरानी है उसके 10 साल हो गए उस रूम को बने हुए. इस रूम को भी बने हुए एक्चुअली 10 ईयर्स हो गए सिर्फ इस पेंट के अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया. बट यस आई होप यू गाइस एंजॉयड द सेगमेंट. मैंने बहुत अच्छे से रूम टूर दिया हर चीज दिखा एक एक ड्रॉअर खोल के दिखाया मैंने आपको. मतलब अब इससे ज्यादा क्या होता है आई डोंट नो. बट इफ यू वांट या किसी का आपको बहुत पसंद है किसी ने टूर किया हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में. किसी हमें इसके रूम टूर या होम टूर बहुत अच्छा लगा था इस स्टाइल में करो आई कैन डू दैट ऑल्सो. एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट व्लॉग में गौतम को आना ही पड़ेगा क्योंकि हद हो गई अब तो. सी यू गाइस सून. लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन सब कर देना ठीक है. बाय.